लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी जंग देखने को मिल सकती है। अब राज्य में MLC चुनाव का वक्त आ चुका है। हर पार्टी अपनी रणनीति को धार देने में लग गई। इस चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन भी शुरू हो गए। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव के लिए अपने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। सपा ने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और पूर्व मंत्री बलराम यादव के अलावा शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पर भरोसा जताया है। बीते दिनों ही गुड्डू जमाली BSP छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, जिसके बाद अब सपा ने उन्हें अपना MLC उम्मीदवार बना दिया है। सपा के 3 उम्मीदवारों की इस चुनाव में जीत भी तय मानी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राज्यसभा चुनाव की तरह BJP इस बार MLC चुनाव में भी कोई खेला कर सकती है। गुड्डू जमाली ने हाल ही में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पहले माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, हालांकि अब उन्हें विधान परिषद भेजा जा रहा है। आजमगढ़ उपचुनाव में सपा की हार की वजह शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की बसपा से चुनावी मैदान में उतरने की खबरें थी। ऐसे में गुड्डू जमाली के जरिए अखिलेश यादव एक तीर से 2 निशाने करना चाहते हैं। एक तरफ MLC बनाकर मुस्लिम प्रतिनिधित्व का संदेश देने, तो दूसरी तरफ आजमगढ़ के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने, क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। ऐसे में सपा आजमगढ़ सीट पर किसी तरह का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती। नरेश उत्तम पटेल सपा के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। वो अभी भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। पटेल पहली बार 1989 में जनता दल प्रत्याशी के तौर पर विधायक चुने गए थे। कानपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट नरेश उत्तम पटेल कुर्मी जाति से आते हैं और सपा के बड़े OBC नेताओं में गिने जाते हैं। नरेश उत्तम पटेल 1989 से 1991 तक मुलायम सरकार में मंत्री रहे, साथ ही 3 बार UP विधानसभा से विधायक भी चुने गए। बलराम यादव 2016 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए दूसरी बार चुने गए थे। बलराम यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक हैं। वो 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। बलराम यादव भी आजमगढ़ जिले से ताल्लुकात रखते हैं। वहीं सपा के अलावा BJP के नेतृत्व वाले NDA से RLD ने भी अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। RLD ने इस चुनाव के लिए योगेश चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों की माने तो NDA से अपना दल S के प्रत्याशी के तौर पर योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल भी इस चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। गौरतलब है कि यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इसके लिए नामांकन सोमवार से शुरू हो गए। सभी 13 सीटों के लिए 21 मार्च को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी, जबकि आगामी 11 मार्च तक इस चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 14 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बता दें कि चुनाव में BJP के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन की 10 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। एक सीट पर जयंत चौधरी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। वहीं आशीष पटेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है और वो योगी सरकार में मंत्री हैं। इस वजह से उनका फिर से विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।